Good morning, students. Myself Kedar Badeka. Today I am taking lecture number 27 of subject manufacturing technology. In the previous series of the lectures, we are discussing the chapter number 6, which is the advanced super finishing processes. In the previous series of the lectures, we are discussing the two super finishing processes. So we are extending this lecture series with the another two processes in these lectures. So let's start the discussions on the two different process of super finishing processes of our today's lecture, which is the first process, which is the buffing process. So let's start the discussions over the buffing process. So buffing is the process which is used to shine the metal, wood, composites with using a cloth wheel which is impregnated with a cutting compounds of the ore, the roughs, right? तो बफिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली जो है वो यूज़ होता है मेटल हो, वुड हो, या फिर जो है वो ऐसे कंपाउंड मटेरियल्स हो जिसको शाइन करने के लिए यूज़ होता है. अब उसको शाइन करने के लिए जो है वो सरफेस को शाइन करने के लिए जो है वी आर यूजिंग अ क्लूथ विल which have a impregnated cutting compounds or the roughs on the cut cloth wheel, right? उस wheel के अंदर जो है वो एक जो है वो abrasive cutting compounds रहता है जो उस cloth wheel के अंदर और we can say as a roughs भी कह सकते हैं उस wheel के अंदर fixed होते हैं. The cloth buff is holds air carries the compounds. उस व्हील के अंदर वो क्लोथ व्हील के अंदर जो है वो हम लोग कैरीज करते उस कंपाउंड को वाइल द कंपाउंड इज डज नॉट कटिंग, जिससे जो है वो कंपाउंड जो है वो कट ना हो, राइट? सो द बफिंग इज जनरली इज रिक्वायर द टू ऑपरेशंस, ए कट बफ ऑपरेशंस और अ फिनिश बफ ऑपरेशंस. कटिंग के अंदर, बफिंग के अंदर जनरली दो तरीके के ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होते हैं. पहला जो ऑपरेशंस रहता है वो ऑपरेशंस रहता है ए कट बफ, जिससे मेटल कट हो सकते हैं छोटे छोटे स्क्रैचेस के फॉर्म में, राइट? और दूसरा होता है फिनिशिंग बफ. इवन द कट बफ विच इज द कोर्सेस्ट बफिंग ऑपरेशंस, राइट? कट बफ भी जो होता है वो कोर्सेस जो है वो एक बफिंग ऑपरेशंस के तौर पे उसको देखा जाता है. इट इज़ टू फाइन और द रिमूवल ऑफ द पिट्स, कोर्स एब्रेसिव पॉलिशिंग लाइन और अ डिप स्क्रैचेस. तो इवन इन द कट बफ, राइट, कटिंग बफ के अंदर जो है विच इज़ द कोर्सेस्ट बफिंग ऑपरेशंस, इसको कोर्सेस्ट बफिंग ऑपरेशंस भी बोला जाता है. और इस ऑपरेशंस के अंदर जो है हम लोग एक टू फाइन, जैसे बहुत ही नैरो पतली जैसे पीट्स हो सकते हैं, जैसे गड्ढे हो सकते हैं, कोर्स एब्रेसिव पॉलिशिंग लाइन हो सकती है और डीप स्क्रैचेस हो सकते, इसको हम इस कटिंग बफिंग ऑपरेशन से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं. दिस इज व्हाई अ सरफेस प्रिपरेशन इज प्रायर टू बफिंग इज क्रिटिकल टू अ हाई लस्टर्स फाइनल फिनिश. सो इसीलिए जो है जो सरफेस प्रिपरेशंस जो है प्रायर टू द बफिंग ऑपरेशंस, राइट, बफिंग ऑपरेशंस करने से पहले का जो सरफेस प्रिपरेशंस है विच इज़ रिक्वायर ए हाई लस्टर्स फॉर द सुपर फिनिश. एक्सीलेंट प्री कट ऑफ बफ और वी कैन से एज अ सरफेस प्रिपरेशन इज स्टार्ट विथ यूजिंग द फाइनेस्ट एब्रेसिव बेल्ट दैट प्रोडक्शन विल अलाउ. तो सबसे पहले इस प्रिपरेशंस के अंदर एक्सीलेंट प्री बफ सरफेस प्रिपरेशन इज स्टार्ट विथ यूजिंग द फाइनेस्ट एब्रेसिव बेल्ट. तो सबसे पहले इस ऑपरेशंस के अंदर जो है इस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है एक एब्रेसिव बेल्ट के थ्रू, जिसका यूज़ करते हुए हम उसको उस प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. इट इज़ द फॉर्म दिस पॉइंट
इट इज़ द फॉर्म दिस पॉइंट दैट रिमूव द ओरिजिनल स्क्रैचेस लाइन. इसके अंदर जो है जो ओरिजिनल स्क्रैचेस लाइन है उसको हम लोग पहले रिमूव करते हैं. विच इज़ नीड्स टू बी एकम्प्लिस्ड टू अचीव अ फाइनल बफ फिनिश. तो पहले आपको किसी भी तरीके का मेटल हो, बफ वुड सरफेस हो, कंपोजिट्स मटेरियल का सरफेस हो, तो पहला वाला सरफेस प्रिपरेशन का स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पहले अंदर जो है वो हम लोग बेल्ट एब्रेसिव बेल्ट को यूज़ करते हुए जो है वो हम लोग सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे. उसी सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस के अंदर जो है हम लोग जो है धीरे धीरे उस प्रोसेस को जो लेके हुए पहले जो भी इस मेटल सरफेसेस के ऊपर जो भी स्क्रैचेस हो गए, जो भी पीट्स हो गए, डॉट्स हो गए, उसको रिमूव करके हम लोग उस सरफेस के ऊपर उसी सरफेसेस के ऊपर जो है वो फाइनल बफ फिनिश ऑपरेशंस जो है वो हम लोग कैरी करते हैं. सो इस ऑपरेशंस हमेशा दो पार्ट में होते हैं. तो पहला पार्ट हो गया आपका कट बफ ऑपरेशन, सेकेंड पार्ट आपका हो गया फिनिश बफ ऑपरेशंस. The original scratches or a polish is followed by one or two additional polishing steps. So the original or a polish which is followed by one or the two additional polishing steps. यहाँ पे ये जो operations हैं वो एक या दो scratches के form में इस operations जो है वो perform होते हैं. क्रॉस पॉलिशिंग दी एब्रेसिव लाइन्स इफ पॉसिबल्स एंड द बफ ऑफ विच इज अप्रोक्सीमेटली 400 ग्रिट और ए फाइनर एब्रेसिव्स ऑन द मेटल्स. तो हम लोग इस ऑपरेशंस को जो है वो क्रॉस पॉलिशिंग ऑपरेशंस वी आर स्टार्ट विद द एब्रेसिव्स लाइन इफ पॉसिबल्स विद द बफ ऑपरेशंस विच इज अप्रोक्सीमेटली 400 ग्रिट ऑपरेशंस. जो एब्रेसिव पार्टिकल का ग्रिट साइज होगा वो 400 ग्रिट साइज का एब्रेसिव पेपर और बेल्ट जो है वो पार्टिकल का साइज यूज करते हुए हम पहले इस ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे. द कट बफ विल रिमूव द फाइनल पॉलिशिंग लाइंस बट मे नॉट बी एज ब्राइट एज रिक्वायर्ड. The finishing buff will produce a super finishing luster. As in the polishings, buffing is usually done manually, right? जैसे हम लोग जैसे जिस भी तरीके का polishing operations हम लोग perform करते हैं तो सारे polishing operations के अंदर buffing which is perform as a manually. अब तक जो है वो इस operations को manually perform जो है वो किया जाता था. Although the machines have been designed to perform this process which is automatically. Although ये सारे मशीन्स प्रोसेस जो है वो हम लोग जो परफॉर्म करते थे वो सारे मशीन ऑपरेशन हम लोग अब जो पहले मैन्युअली परफॉर्म होते थे इसके लिए अब इस ऑपरेशंस के लिए अभी जो है अभी के समय में समय के अंदर जो है ये सारे ऑपरेशंस जो है वो आज इस समय जो है वो ऑटोमेटिक मशीन्स इस ऑपरेशंस के लिए जो है वो डेवलप्ड हो चुके हैं. The buffing wheel are made of the disc of the linen, cotton, broadcloth and the canvases. तो buffing wheel जो है उसके जो wheel होते हैं वो disc के form में linen से या फिर cotton से या फिर broadcloth या फिर canvas से बने हुए होते हैं. Here you can see that there is one of the operations of the manufacturing technology. So this is the operations of the schematic figure of the buffing operation. Here you can see there is a wheel with the central axis you can see in the grammatical figures, or this wheel is rotated on the metal flat surfaces. If the metal pieces surfaces is having a certain kind of the pits, dots, scratches, deep lines, it will be removed through the abrasive actions of the wheel. With the rotating actions and it will creating certain kind of the super finishing surfaces on the metal pieces. So this operations which is carried out with the buffing operations. तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए. बहुत ईजी ऑपरेशंस है. एक व्हील है जो सेंट्रल एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, वो ड्यूरिंग दी प्रोसेस जो है वो रोटेट होता है, हाई स्पीड्स के साथ रोटेट होता जाएगा. वो रोटेट करते करते जो है वो
इमीडिएटली जो है वो मेटल पीसेस के ऊपर टच करेगा. जैसे ही मेटल पीसेस के ऊपर टच करेगा ड्यू टू द फ्रिक्शनल एक्सेस दैट एब्रेसिव पार्टिकल्स जिसका साइज 400 ग्रिट का साइज है वो मेटल पीसेस के ऊपर जैसे ही टच करेंगे तो जो भी एक तरीके के स्केल्स है, फॉर्म्स है, स्कार्स है, पिट्स है, डॉट्स है, लाइंस है, स्क्रैचेस है, वो सारे जो है वो उस एब्रेसिव एक्शंस के थ्रू रोटेट एब्रेसिव एक्शंस के थ्रू जो है वहाँ से वो एक तरीके से रब होते जाएंगे और एक सुपर फिनिशिंग जो है वो मेटल सरफेस वहाँ पे क्रिएट होता जाएगा. सो देर आर द फोर टाइप्स ऑफ द कटिंग व्हील विच इज यूज इन द बफिंग ऑपरेशंस. वी कैन से दैट द फर्स्ट विच इज ए क्लोथ बायस टाइप्स ऑफ द बफिंग व्हील, सेकेंड विच इज अ फुल डिस्क लूज बफिंग व्हील, a finger or a segment type of the cloth buffing or the bias clothing wheels. So, and the fourth, which is a spiral sewn bias types of the sisal buffing wheel, we can shows in the schematic figure on your screen. So, these four types of the wheel we are using in the buffing operation, the selections of the wheel, which depends on the how much kind of the surface finish you have to generate on the metal surfaces, or which is also depends upon the types of the hardness which is you want to forms on your metal pieces. Now there are the three different finishing compounds, or we can say as a roach compounds which is covered in the buffing operation. So these three compounds are the green compounds, white compounds or the red roach compounds. So we start with the discussions with the green roach compounds. As we start our discussions with the green roach compounds, so in the green roach compounds, this is a primarily used in the final finish buff operations on the stainless steel, steel, brass, aluminum, nickel or chrome. So is green roach jo hai वो कंपाउंड्स जो है वो प्राइमरी एक फाइनल फिनिशिंग ऑपरेशंस के तौर पे इस तरीके के ग्रिड्स जो है वो यूज़ होते हैं. ये जो है ये स्टेनलेस स्टील हो, ब्रास हो, एल्युमिनियम हो, निकल हो या फिर क्रोम, इसके ऊपर आपको ऑपरेशंस करना है तो ये ग्रीन रोज जो है आप यूज़ कर सकते हो. The green roach is a chrome oxide. ये जो है वो basically है क्या तो कि chrome oxide है and is considered the best all around the luster compounds. और ये सबसे अच्छा जो है best luster compound माना जाता है. Now the second which is the white roach. The white roach is a softer. It is made from the calcite alumina which is the unfused type of the grits, which is primarily used for the final finish of the steel, stainless steel and zinc. तो ये जो है वो नेचर में थोड़े सॉफ्ट है पर वो अनफ्यूज्ड रहता है प्रोसेस के अंदर, और इसका प्राइमरी यूज जो है वो फाइनल फिनिश के ऊपर, फाइनल फिनिश करने के लिए स्टील, स्टेनलेस स्टील या जिंक के ऊपर हो सकता है. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो अ फेवरेट इन कलरिंग ऑफ द एल्यूमिनियम एंड द ब्रास. Now the third, which is the red roach, so primarily which is used for the final finish of the gold and the silver. It is a finest of all the roaches. ये red roach जो है वो final finish किसका तो कि gold या फिर silver का final finish करना हो तो फिर ये जो है वो use होता है. ये बाकी के comparison में सबसे ज़्यादा जो है वो finest roach है. The abrasive is the ferric oxides, right? वो ferric oxide से बने होते हैं. Basically उसका shape जो है वो spherical होता है and which is give an exceptionally higher lustres. और इस spherical shape के वजह से जो है वो एक final lustres जो है luster finish surface वहाँ पे मिलता है. It is produced an excellent finish on the brass. इससे आप जो है वो एक excellent finish जो है वो brass के ऊपर develop कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द बफिंग ऑपरेशंस. नाउ वी सेकेंड प्रोसेस वी स्टार्ट विद द डिस्कशंस विच इज द बैरल टम्बलिंग ऑपरेशंस. सो दिस प्रोसेस नेम इज अ बैरल टम्बलिंग और टम्बलिंग बैरल ऑपरेशंस.
So let's start the discussions over the bell tumbling operations. I think आप में से किसी ने इस प्रोसेस का नाम जो है वो अब तक जो है वो शायद ही सुना होगा, बैरल टम्बलिंग ऑपरेशन। तो बेसिकली ये जो बैरल टम्बलिंग जो है वो एक तरीके का एक इंडस्ट्रियल डिवाइस है। इट्स नॉट अ प्रोसेस, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ द वन ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर अ स्मूथनिंग ऑफ अ पीसेस विच इज रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द मेटल्स, राइट। सो इट इज एन इंडस्ट्रियल डिवाइस फॉर अ स्मूथनिंग विच इज अ न्यूली मेड पीसेस फ्रॉम द मेटल। जो मेटल पीसेस अभी अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग किए हैं या फिर कास्ट किए हैं, ऐसे कास्टिंग या फिर मेटल पीसेस को स्मूथ करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको बैरल टम्बलिंग जो है वो बोला जाता है। इट इज ए कास्ट और अ ड्रम विच इज इक्विप्ड विद रिवॉल्व एट ए प्री डिटरमाइंड स्पीड। ये जो है वो एक तरीके का ड्रम जैसा इक्विपमेंट्स है जो रिवॉल्व होता है एट द प्री डिटरमाइंड स्पीड्स है, राइट। तय की हुई जो है वो स्पीड के साथ वो रोटेट होता है, ऐसा एक इक्विपमेंट है। इनटू इट आर पुट द स्टील कास्टिंग और मैन्युफैक्चर्ड। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस ड्रम के अंदर जो भी हमने कास्ट ये स्टील जो है या मेटल पीसेस हमने मैन्युफैक्चरिंग की है वो हम लोग ड्रम के अंदर रख देते हैं। द एब्रेसिव सच एज ए पाउडर एल्यूमिना और ए कार्बन ड्रम्स इज ऑल्सो पुट इन टू द बैरल। अब इसके साथ एब्रेसिव पार्टिकल जैसे एल्यूमिना हो गया, ऐसे एब्रेसिव पार्टिकल उस ड्रम के अंदर उस मेटल पीसेस के साथ हम लोग रखेंगे और मे बी उसके साथ हम लोग सैंड, रबर पैलेट्स और स्टील बॉल इसके साथ हम लोग अंदर डाल देंगे। विच इज डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर एंड द हार्डनेस ऑफ द मेटल पार्ट्स। अब उसकी क्वांटिटी और क्या क्या चीज़ डालनी है वो डिपेंड करेगा कि आप जिस मेटल के ऊपर सरफेस फिनिश करना चाहते हैं उसकी हार्डनेस क्या है, उसके ऊपर उसकी क्वांटिटी और क्या चीज़ जो है वो स्टील बॉल डालने हैं या फिर आप सैंड डालोगे, सैंड कौन सी सैंड डालोगे, रबर पैलेट कितने डालोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस मेटल के ऊपर इस सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस कर रहे हो। तो बेसिकली होता क्या है कि ड्रम जो है, ड्रम के अंदर आपने मेटल पीसेस डाल दिए, सैंड पार्टिकल डाल दिए, स्टील बॉल डाल दिए, रबर पैलेट डाल दिए। अब ये ड्रम रोटेट करेगा, तो ड्रम जैसे ही रोटेट करेगा तो ये जो सारे अनफिनिश पार्ट है जिसके ऊपर स्क्रैप हो सकती है, रफ एजेस हो सकती है, वो एक दूसरे के साथ घिस के जो है एक सुपर फिनिशिंग सरफेस जो है वो डेवलप्ड कर देंगे। सो द टम्बलिंग बैरल इज देन रोटेटेड। अब उसके साथ वो रोटेट होगा विथ ईच रिवॉल्यूशंस ऑफ द मेटल पीसेस आर टू बी कैरिड आउट पाथवे अप द साइड ऑफ द ड्रम्स, देन दे आर फॉल free and drop back to the downs. As they are tumbles and spin against the each others are rubbed by the abrasives. वो abrasives के साथ एक दूसरे के साथ घिस के, abrasives के साथ घिस के वो रब होते जाएंगे। And the burrs, अगर इसके ऊपर कोई burrs है, कोई scratches है, कोई rough edges है, which will be disappear, वो दूर होती जाएगी। And it will be become as a smooth. They are then in the shape to functions properly. अब इस operations के बाद वो अच्छी तरीके से जो है वो perform अपना operation जो है वो perform कर सके, ऐसी conditions में आ जाएंगे। तो ये जो process था उस process को जो है वो tumbling process जो है, barrel tumbling process इसको बोला जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो process को study करने की कोशिश की है। First process which is the buffing process एंड सेकेंड प्रोसेस विच इज़ दी टम्बलिंग बैरल प्रोसेस और द बैरल टम्बलिंग प्रोसेस। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट्स, यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टू प्रोसेसेस इन दिस लेक्चर, यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड डाउट इन टू द कॉमेंट सेक्शंस। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज एंड डाउट्स इन टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर्स। स्टिल यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी थ्रू द व्हाट्सएप विथ योर क्वेरीज रिगार्डिंग इन दिस लेक्चर टू प्रोसेसेस, राइट, टू प्रोसेसेस विच इज वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर्स। So, this is all about the today's lecture. After watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections, which is very important.
and this will be counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture.